A very warm good morning, everyone. How are you? I am Ruchi Gupta, your EVS teacher. बेटा हम लेसन फोर्थ कर रहे थे, प्लेइंग इज फन. लेसन फोर्थ में हमने पढ़ा था आउटडोर गेम एंड इंडोर गेम. व्हाट इज आउटडोर गेम? आउटडोर गेम क्या होते हैं? जो गेम हम घर से बाहर खेलते हैं उन्हें हम बोलते हैं आउटडोर गेम, और जो गेम्स हम घर के अंदर खेलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंडोर गेम्स. सो आउटडोर गेम्स इज कौन कौन से होते हैं? आउटडोर गेम कौन कौन से होते हैं? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, ये सब क्या है? आउटडोर गेम. और इंडोर गेम लूडो, चेस, स्नेक एंड लेजर और प्लेइंग कार्ड्स, ये सब इंडोर गेम हैं. क्लियर? आज अब हम रीड करेंगे टीम गेम्स. टीम गेम्स कौन कौन से होते हैं? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल आर सम पॉपुलर टीम गेम्स. हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब क्या होते हैं? टीम गेम होते हैं जो कि हम अकेले नहीं खेल सकते. ऐसा हो सकता है हम अकेले हॉकी खेलें या अकेले फुटबॉल खेलें? ये पॉसिबल नहीं है. ये टीम गेम है, टीम के साथ में इसको खेला जाता है. प्लेइंग टीम गेम्स टीचेस अस द वैल्यू ऑफ टीम वर्क एंड कोऑपरेशन. जो टीम गेम होते हैं वो हमें टीम वर्क सिखाते हैं कि मिलकर के काम कैसे किया जाता है, टीम बना करके वर्क कैसे किया जाता है और एक दूसरे का कैसे कोऑपरेट किया जाता है. मोस्ट स्कूल्स अपॉइंट अ स्पेशल स्पोर्ट कोच टू ट्रेन चिल्ड्रन इन टीम गेम्स. ज़्यादातर स्कूलों में अलग से कोच बुलाए जाते हैं जो कि आपको टीम गेम सिखाते हैं कि कैसे हमें ये गेम खेलने चाहिए. अब है गेम्स इन द पास्ट. पहले के गेम कौन से थे? इन द पास्ट व्हेन देयर वर नो टेलीविजन्स और वीडियोस गेम्स. पहले के समय में जब टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, वीडियो गेम नहीं हुआ करते थे, चिल्ड्रन वर हेल्दियर. चिल्ड्रन क्या होते थे? स्ट्रांग होते थे, हेल्दी होते थे. दे रन इन द ओपन फील्ड, वो खुले मैदान में भागते थे. दे प्लेड आउटडोर गेम्स लाइक स्कीपिंग, कबड्डी, सेवन टाइल्स, हाइड एंड सीक, हॉपस्कॉप एंड लंगड़ी टांग. आप अपनी मम्मा वगैरह से भी पूछना, जब वो छोटे थे तो क्या होता था? टीवी वगैरह ज़्यादा नहीं देखा जाता था, इतना टीवी होता भी नहीं था, ना वीडियो गेम इतना खेलते थे. पहले क्या करते थे? हेल्थियर गेम खेलते थे जिससे बच्चे स्ट्रांग बनते थे. और इसीलिए आज के बच्चों में स्टेमिना कम है क्योंकि वो आउटडोर गेम, भागने वाले गेम, इस तरह की गेम्स नहीं खेलते. वो पूरा टाइम बैठे बैठे स्पेंड करते हैं, अपना टेलीविज़न देख लिया, मूवीज़ देख ली, कंप्यूटर में खेल लिए, वीडियो गेम खेल लिया, मोबाइल में खेल लिया. तो इसलिए वो उनकी बॉडी स्ट्रांग नहीं बन पाती और उनका स्टेमिना भी नहीं बन पाता. तो जो पहले गेम खेले जाते थे वो स्कीपिंग मतलब रस्सी कूदी जाती थी, कबड्डी खेली जाती थी, सेवन टाइल्स मीन्स पिट्ठू खेले जाते थे, हाइड एंड सीक खेले जाते थे जिसे हम बोलते हैं आँख मिचौनी, हॉप स्कॉच खेला जाता था जिसे हम स्टप्पू बोलते हैं, एंड लंगड़ी टांग खेली जाती थी. पूछना मम्मा पापा से कि पहले वो कितना खेलते थे इस तरह की गेम्स. दीज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, और इन गेम्स के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी. क्या होता था, हम भागते थे, हमारी सांस भरती थी, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी एक्सरसाइज करती रहती थी रेगुलरली, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता रहता था. सम इंडोर गेम्स लाइक प्ले व घर घर विद डॉल्स एंड गिटी. द ओल्डर चिल्ड्रन एन्जॉयड ब्रिस्टलाइंग वाइल द यंगर वंस प्लेड गेम्स लाइक गिल्ली डंडा, मार्बल्स एंड कीकली. गेम्स इज वर्क फॉर सम. अ गेम प्लेड फॉर फन और टू अर्न मनी और फॉर कंपटीशन इज कॉल्ड स्पोर्ट. वो खेल जो कि कुछ पैसा कमाने के लिए खेले जाते हैं, कंपटीशंस किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो स्पोर्ट्स होते हैं. अ पर्सन हु प्लेज अ स्पोर्ट इज कॉल्ड अ स्पोर्ट्स पर्सन. और जो पर्सन स्पोर्ट्स खेलता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स पर्सन. स्पोर्ट्स के थ्रू पैसा भी कमाया जाता है, फन भी किया जाता है, मस्ती भी की जाती है और पैसा भी कमाया जाता है.
सम पीपल अर्न मनी बाय प्लेइंग अ स्पोर्ट, कुछ लोग पैसा कमाते हैं स्पोर्ट्स खेल करके, इट इज देयर ऑक्यूपेशन, ये उनका ऑक्यूपेशन भी होता है। सम स्पोर्ट्स डेट पीपल प्ले प्रोफेशनली आर, कुछ लोग क्या करते हैं स्पोर्ट्स खेलते हैं प्रोफेशनली, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, आपने देखा है हाँ, आप लोग खेलना सीखने जाते हैं, जैसे अपने अलवर में हैं तो आरआर कॉलेज में जा रहा है कोई सीखने के लिए, कोई स्टेडियम जा रहा है सीखने के लिए, तो अलग अलग जगह हम लोग सीखने जाते हैं, तो ये हमें कोच सिखाते हैं, और जब हमें ये कोच स्पोर्ट्स सिखाते हैं तो वो इसकी फीस लेते हैं, तो ये उनका ऑक्यूपेशन हो गया। तो बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, पोलो, बिलार्ड्स, स्नूकर, आर्चीज, वेट फाइटिंग, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, ये सारे गेम हम जा कर के सीखते भी हैं। यस, अब है हमारा नेम योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन। यहाँ पर ये आपको सेल्फ करना है, क्योंकि सबके अलग अलग फेवरेट स्पोर्ट पर्सन होते हैं, किसी का भी एक नहीं होता, किसी का भी पर्टिकुलर एक स्पोर्ट पर्सन नहीं है ना। तो नेम योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन, यहाँ आप अपने फेवरेट स्पोर्ट पर्सन का नेम लिखेंगे। Why do you like her, him or her? आप उसको क्यों पसंद करते हैं, जो भी रीज़न है वो आप सेल्फ लिखेंगे कि आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पेज, एडवेंचर स्पोर्ट्स। सम स्पोर्ट्स लाइक याचिंग, रिवर राफ्टिंग, सर्फिंग, ग्लाइडिंग एंड स्कूबा डाइविंग आर रिस्की बट एक्साइटिंग, दीज आर कॉल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स, दे आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउ डेज, इन दिनों में ये बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर हो रहे हैं। अब है हमारा मैच द स्पोर्ट टू द स्पोर्ट्स पर्सन हु प्ले इट। अब हमें इसमें स्पोर्ट्स को मैच करना है कि ब्लाड्स क्या करते हैं, टेनिस कौन खेलते हैं, बैडमिंटन कौन खेलता है, चेस कौन है, हॉकी का कौन है, एथलेटिक्स का कौन है, बॉक्सिंग का कौन है और शूटिंग का कौन है। तो ये मैम ने नंबर्स राइट डाउन किए हैं, इन्हें आपको लर्न भी होना चाहिए, खाली आप इसे फिल नहीं करेंगे, आप इसको लर्न भी करेंगे। ओके, सो बेटा ये आपका क्लास वर्क है, और यहाँ आप डेट मेंशन करेंगे, टुडे इज 21/07 जुलाई चल रहा है ना इसलिए, एंड 2020। ओके, देन एक्सरसाइज टाइम, ये बहुत ही फनी वर्क है हमारा, स्केल एंड इरेजर, इससे हम कौन सा गेम खेल सकते हैं, यस क्रिकेट, स्केल को हमने बैट बनाया और इरेजर को हमने बॉल बनाई तो हम क्रिकेट खेल सकते हैं। पेपर एंड पेंसिल से हम कौन सा गेम खेल सकते हैं, टिक टैक। प्ले डॉफ होता है जो हम आटे का, या फिर जो आपने देखा है ना क्ले वगैरह से हम कौन से गेम खेल सकते हैं, टॉयज बना सकते हैं, एनिमल्स बना सकते हैं, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप खुद भी सेल्फ करेंगे तो मज़ा आएगा आपको। अब ये है बेटा द फर्स्ट बॉडी पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स नेम इज़ अ बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट से स्टार्ट हुआ गेम कौन सा है, हैंडबॉल। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स नेम इज अ पीस ऑफ फर्नीचर, ऐसा कौन सा गेम है जो फर्नीचर का पीस होता है वो, और वो गेम है टेबल टेनिस, बहुत इंटरेस्टिंग है, माइंड डेवलप वाला गेम है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स नेम इज व्हाट यू कैरी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन, ऐसा कौन सा है गेम जिसका फर्स्ट पार्ट, पहला जो फर्स्ट नंबर का पार्ट है वो काम में आता है वेजिटेबल और फ्रूट्स लाने के, बास्केट काम आती है, बास्केटबॉल। यू नीड ग्लव्स फॉर दिस, इस गेम के लिए आपको ग्लव्स की नीड होती है, कौन सा गेम है, बॉक्सिंग। यू गिव अ टेस्ट इन दिस गेम, इस टेस्ट गेम के लिए हमें टेस्ट देना होता है, कौन सा, क्रिकेट। क्लियर, ये भी हमारा क्लास वर्क है, एंड यू मेंशन है डेट, इधर हम डेट मेंशन करेंगे 27/07/2020, एंड इधर भी बेटा हम क्लास वर्क मेंशन करेंगे, और इधर भी लिखेंगे हम 21/07/2020। ओके, ये हमारा होमवर्क है, और इधर हम लिखेंगे 21/07/2020। ये आप बहुत इजी है सेल्फ कर सकते हैं। इंडोर गेम कौन कौन से होते हैं मैम बता चुके हैं, आउटडोर गेम कौन कौन से होते हैं वो भी मैम आपको
बता चुके हैं। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट वर्ड, ये वाला सॉल्विंग पजल्स। इसमें पजल्स सॉल्व किए मैम ने, आप देखिए ये पजल्स सॉल्व की हुई है। टीचर, लेसन, बोर्ड, ये तीनों चीज़ कहाँ काम आती है? स्कूल, स्पोर्ट, प्ले, किक। कौन से गेम है जिसमें हम किक मारते हैं वो स्पोर्ट है और हम खेलते हैं? फुटबॉल। रीड बुक साइलेंस, कहाँ पर हम चुप होकर के बुक पढ़ते हैं? लाइब्रेरी। वॉच पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक, कब करते हैं हम? देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं मूवी देखते टाइम। बनाना एनिमल लव, कौन करता है? मॉन्की। वियर ट्राउजर ब्लू, कौन सा होता है? पैंट। फेवरेट डे, हाउ ओल्ड आर यू टुडे, कौन सा डे होता है वो फेवरेट, जिस दिन आप कितने साल के हो जाते हैं? बर्थडे। फ्रूट ग्रीन वेरी बिग, कौन सा फ्रूट है जो ग्रीन कलर का होता है, बहुत बड़ा होता है? वाटरमेलन। तो इस तरीके से आपको ये सारा वर्क करना है। एंड यू इधर भी हम राइट डाउन करेंगे क्लास वर्क एंड डेट 21/07/2020। ओके, थैंक यू बेटा।